वेलकम टू माई चैनल। मैं हूँ शैलजा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल द लाइवली में। आज मैं आप लोगों को लेकर के आई हूँ डोरंडा मार्केट। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे यही लोकेशन है जहाँ पे आपको मिट्टी के बर्तन मिल जाएंगे। सामने आप मंदिर देख सकते हैं और बाएं की तरफ डोरंडा बाजार घुसने का रास्ता है। हाँ, अंदर मंडी है। सो फ्रेंड्स, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि बहुत सारे मिट्टी के बर्तन लगे हुए हैं, घड़े लगे हुए हैं, तो ये सब आपको डोरंडा मार्केट में मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ देखिए, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े गमले लगे हुए हैं जिसमें आप प्लांट्स को लगा सकते हैं। तो चलिए भैया से ये जानते हैं इनका दाम। ये वाला 12 इंच का गमला है, 120। ठीक है, छोटा वाला आता है, मीडियम वाला 150। और यहाँ पे दिया रखा हुआ है, दिया सब कितना दाम है? 100 रुपए सैकड़ा। और बाकी सब देखिए, हांडी और ये सब तो सारा एक ही साइज का है ना, बड़ा वाला गमला है, बड़ा वाला। हाँ, और दोस्तों यहाँ देखिए, यहाँ पे चुक्का भी लगा हुआ है, बहुत बड़ा ही साइज का चुक्का है, 100 रुपए का है। और यहाँ देखिए, खाना पकाने के लिए जो मिट्टी के बर्तन होते हैं वो भी आपको डोरंडा बाजार में मिल जाएंगे। हाँ, इसका बताइएगा भैया, ये वाला 60 का, और ये 100, और पीछे एक ही साइज है। ठीक है, और देखिए इसमें रोटी बनती है, तो वही बोलते हैं। हाँ, कितना दाम पड़ेगा इसका? 60 रुपए का। और दोस्तों यहाँ देखिए, यहाँ पे छोटे साइज का भी आपको दिया मिल जाएगा, तो उसका दाम कितना है? वो आपका है 80 रुपए सैकड़ा। 80 रुपए सैकड़ा। और यहाँ पे छोटे साइज के भी आपको चुक्का मिल जाएगा। दाम दीदी, पैसा बट में कहा है। हाँ हाँ, कितना दाम पड़ेगा गुल्लक का? गुल्लक 20, 10, 50 का मिल जाएगा, हर साइज का यहाँ पर दोस्तों आपको गुल्लक मिल जाएगा। और मैं देख रही हूँ दोस्तों, यहाँ पे दीदी के पास सीमेंट वाला गमला भी रखा हुआ है, तो इसका दाम जानते हैं? 80 रुपए का है ये वाला, 80 का है। और ये सब, ये वाला ये है 50 का। 50 का, ठीक है। और वो दिखाइए तो भैया, वो प्लेट टाइप का है ना, उस तरह का? हाँ, और वो सब भी घड़ा में तो पकाने का ही है ना, वो सब घड़ा। और सामने वाला सब पानी का घड़ा है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, इस तरह का भी आपको मिल जाएगा, जैसे कि पॉट में आप बोनसाई भी लगा सकते हैं दोस्तों। हाँ, तो ये बहुत अच्छा लगेगा। इसका दाम कितना भैया? 120। अच्छा, ठीक है। तो भैया, यहाँ पे दुकान कितने बजे से लग जाता है? 9 बजे से लगने स्टार्ट हो जाता है। हाँ, सुबह 9 बजे से लेके शाम को 10 बजे तक रहता है। हाँ, कितना दाम पड़ेगा दीदी? 25 का है। ये पौधा लगाने वाला ही है ना सारा? अच्छा। हाँ तो दीदी, कलश है ना, इसको पूजा के लिए काम में आता है। हाँ, तो दाम कितना पड़ेगा? एक कलश बड़ा वाला 30, छोटा 20। 30 और 20, मतलब 50 रुपए के अंदर मिल जाएगा ना। और ये बड़ा वाला तवा? बड़ा तवा है 150। देखिए दोस्तों, इसका साइज देख सकते हैं आप, काफी बड़ा ही तवा है। 150 बोले ना? हाँ। और ये बड़ा वाला गमला? 120। और पानी का घड़ा? 150। हाँ, और ये भी पूजा के लिए ही काम आता है ना? पूजा, शादी घर में। कितना दाम पड़ेगा? 10 का। अच्छा, गुल्लक भी है, देखिए छोटा वाला। हाँ, गुल्लक भी है दोस्तों, और ये भी पूजा के काम में ही आता है। तो इसका कितना दाम पड़ेगा? बड़ा छोटा, बड़ा 30 और छोटा 20। 30 और 20। अच्छा, और उससे भी बड़ा था। हाँ, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको दीदी के पास छोटे साइज का भी तवा मिल जाएगा। यहाँ पे दो दुकान है, तो दोनों में आप आके देख सकते हैं। ये देखिए, तो वैरायटी तो काफ़ी अच्छी है इनके पास। यहाँ पे आपको मिट्टी के गमले भी मिल जाएंगे जिसमें आप पौधे लगा सकते हैं, और यहाँ पे सीमेंट का गमला भी है। इसको बताइए दीदी, सीमेंट गमला ये मीडियम है, 150 है। और ये 100 और इससे बड़ा भी आता है, 200 करके। ठीक है, और प्लास्टिक गमला भी है। हाँ, और दिया कैसे पड़ेगा? दिया है छोटा वाला 100 का है, और ये मीडियम वाला 150 का 100 है। 150 में 100, और ये 100 में 100। तो तवा बहुत सारा है दीदी के पास दोस्तों। मटन हांडी भी है। हाँ, मटन हांडी भी है दोस्तों, उठा के दिखाई दो दीदी थोड़ा सा। हाँ, तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे इस तरह की हांडी में आप मटन चिकन बना सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है टेस्ट मिट्टी के बर्तन में। कितना दाम पड़ेगा दीदी? ये बड़ा वाला 150 किलो वाला 100 रुपए पड़ेगा। 100 रुपए पड़ेगा।
छोटा वाला उससे कम पड़े। अच्छा, प्लास्टिक गमला भी? हाँ, प्लास्टिक गमला का दाम बता दीजिए। प्लास्टिक गमला देखिए छोटा 30 से स्टार्ट है, 30, 40, 50। स्क्वायर वाला 120। 120 और इधर ग्रीन वाला 70। ग्रीन वाला 70। और बड़ा वाला 300। शादी का कलशा हाँ, शादी में जो इस्तेमाल होता है कलश, कलश हाँ, बोलेंगे शादी का कलशा। हाँ, इसका कितना पड़ेगा दाम? 150। बोनसाई गमला प्लेट, हाँ बोनसाई गमला भी है दोस्तों इनके पास। चावल रोटी ढक्कन डब्बा, हाँ ढक्कन डब्बा रोटी ना, चावल वाला रोटी ना, बिना तेल वाला। हाँ, यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पे नीचे में इस तरह का भी आपको पॉट मिल जाएगा। आई होप दोस्तों कि आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, और जो लोग भी मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हाँ बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर दें ताकि आगे भी ऐसी अच्छी वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। तब तक के लिए बाय, मैं मिलती हूँ आप लोगों से एक नई वीडियो के साथ।